फिर जब हमने दूसरी बार एफएनएसी कराए तो उस वजह से एफएनएसी की वजह से हमें हमारे नेक में काफी इन्फेक्शन फैल गया, इस वजह से मेरा राइट पार्ट काफी सूज गया और हमारा मुंह एकदम से नहीं खुल पा रहा था, मैं एकदम जूस भी नहीं पी पाने लगा और बिल्कुल दर्द मेरा असहनीय दर्द हो रहा था। तो अल्टीमेटली हमने ट्यूबरकुलोसिस की फिर हम गए फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज रात में, वहां पे हमने एफएनएसी की रिपोर्ट में ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, वहां के डॉक्टरों से मिला, फिर से हमने एफएनएसी की रिपोर्ट दिखाई उनको और उसमें भी इन्फेक्शन ही आ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हो क्या गया है, कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या क्या कहते हैं, या कोई ऐसे ही साधारण लिम्फ नोड्स हैं। लेकिन अगर साधारण लिम्फ नोड्स हैं तो 3-4 लिम्फ नोड्स आपस में चिपके हुए क्यों हैं। तो ये सब कई सारी बातें थी जिससे कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। अल्टीमेटली काफी सूजन होने की वजह से मुझे हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए गए और मैं अकेले गया हुआ था मेडिकल कॉलेज में दवा कराने के लिए। कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। हाई एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देने की वजह से मुझे चक्कर सा आ गया और मुझे वोमिटिंग होने लगी। इस वजह से मैं अनकॉन्सियस करीब 4-5 घंटे के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहा और उसके बाद मुझे जब थोड़ा बहुत होश आया फिर मैं कितने बजे होश आया? करीब 3:30 बजे रात में और शाम के 8 बजे मुझे इंजेक्शन दिया गया था। फिर उसके बाद मुझे ड्रॉप दिया गया, ग्लूकोज चढ़ा लगा हमें, फिर हमें कुछ एनर्जी आई, फिर हम घर आए और दूसरे दिन फिर जब हम डॉक्टर से मिले तो यही कहा गया कि शायद ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत सी रिपोर्ट ऐसी देखी गई है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं आता है डायग्नोसिस में और ट्यूबरकुलोसिस के दवा खाने से रिस्पॉन्स हो जाता है। उस दिन से फिर हमने ट्यूबरकुलोसिस की दवा खानी शुरू की। जब हमने ट्यूबरकुलोसिस की दवा खानी शुरू की तो उसका रिएक्शन हमारे बॉडी पे काफी बुरा रहा और उसका इम्पैक्ट काफी बुरा पड़ा। हर सुबह मुझे चक्कर से आती थी, मैं चलता था तो घूमनी सी फील करता था, मुझे कमजोरी आती थी, मुझे लूज मोशन होने लगा उसकी दवा की वजह से, मेरे आंख में लाल हो जाती थी, आंख गड़ने लगती थी, कोई चीज मैं देखता था ध्यान लगा के तो मुझे लगता था कि वो चीज घूमने लगी है या मैं कोई किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। अचानक से मुझे नींद सी आने लगती थी, पूरे दिन मैं बहुत टायर्ड फील करता था, हमेशा थकान थकान सी लगी रहती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से 3-4 दिन तक हमने ट्यूबरकुलोसिस की दवा 4 दिन तक खाई जिसका रिएक्शन ये रहा। लेकिन इन हाई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगने की वजह से हमारी स्थिति में काफी सुधार होने लगा और अल्टीमेटली लिम्फ नोड जो थे वो सर्वाइकल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से फैल गया था और हाई एंटीबायोटिक की वजह से वो उसमें काफी सडन इम्प्रूवमेंट हुआ। और फिर एक हफ्ते तक का ट्यूबरकुलोसिस की दवा खाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आप ट्यूबरकुलोसिस की दवा बंद कर दीजिए, ये साधारण इन्फेक्शन ही था जो एक सीवियर इन्फेक्शन का रूप लेकर इस तरह से परेशान होगा। आपको कितना खर्चा हो गया इसमें? इस समय टोटल कॉस्ट अराउंड 5000 आया होगा जांच में, जिसमें 2500 रूपये के आसपास से ज्यादा जांच दोबारे हमें करानी पड़ी। और दवाइयां आपने हमेशा बाहर से खरीदी? हमेशा हमें डॉट सेंटर पे हमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे डायग्नोसिस में ट्यूबरकुलोसिस नहीं आ पा रहा था और वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव रिपोर्ट होना जरूरी। शुक्रिया, हैव श्योर वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू।